कितने दूर रहती हूँ, है ना, और मुझे ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है या मुझे कुछ पता लगता है तो मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, राइट। आपको पता है जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, सल्फेट, फ्लोराइड और भी कई तरह केमिकल्स होते हैं जो दे आर वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। और अब सोचोगे आप लोग कि टूथपेस्ट जो है वो तो हम दांतों में करते हैं तो हमारे अंदर कैसे जा रहे हो। इसका एग्जाम्पल एक है, जैसे एक हार्ट पेशेंट्स को टैबलेट दी जाती है सॉर्बिट्रेट, पता होगा आप लोगों को, और डॉक्टर कहते हैं कि उसको आप टंग के नीचे कुछ सेकंड्स रखो, आई थिंक विदिन 4-5 सेकंड्स के अंदर आपको आराम आना शुरू हो जाता है। तो वो छोटी सी टैबलेट हम टंग के नीचे रखते हैं और विदिन 4-5 सेकंड्स हमारी बॉडी में रिएक्ट करती है, राइट। इसीलिए टूथपेस्ट हम भले ही दांतों में कर रहे हैं बट वो हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरीके से जा रहे हैं, है ना। इसलिए मुझे लगा कि केमिकल्स फ्री टूथपेस्ट जो है वो मैंने काफी एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो मैं जो भी चांदनी चौक गई थी ना, वहाँ पर मैंने एक आयुर्वेदिक शॉप पे, और वहाँ पे जो ओनर थे ही वॉज वेरी नाइस, उन्होंने मैं काफी अच्छे से एंटरटेन किया, गाइड किया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आयुदंत टूथपेस्ट है जो कम्प्लीटली फ्लोराइड फ्री, सल्फेट फ्री है, और मैं इसको अभी कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ और मुझे ये सच में अच्छा लगा यूज करके। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हो। वैसे मार्केट में काफी सारे केमिकल फ्री टूथपेस्ट अवेलेबल हैं आजकल, तो आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आई विल डेफिनेटली से नो टू द केमिकल्स वाला टूथपेस्ट। तो अब मैं आगे से केमिकल फ्री टूथपेस्ट ही यूज करूंगी, बट आयोदंत आई फाउंड वेरी वेरी नाइस, इसलिए मुझे लगा मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं। ये रोज पेटल्स है ना, ये इसका रोज वाटर बन जाएगा, रोज पेटल्स का ड्राई है ना, ड्राइड, तो इसका रोज वाटर बन जाएगा उबाल के ना। हाँ जी बन जाएगा, ले लो। मतलब इसमें फ्रेश फ्लावर्स के बनाते हूँ, ये दवाई के लिए होता है बेसिकली ना, ज़्यादा बढ़िया ना वो है। वैद्यनाथ का इसमें केमिकल्स नहीं होते बिल्कुल भी। आयुदंत का जो मुझे टूथपेस्ट मिला ये 100% वेजिटेरियन हर्बल टूथपेस्ट है और इसमें कोई फ्लोराइड या कोई भी सल्फेट केमिकल्स नहीं है। और मुझे वहाँ पे धुनी मिल गई जो घर में शुद्धिकरण के लिए मुझे चाहिए थी। तो खाली आप कैंपर डाल दोगे तो वो घर में फ्रेगरेंस दे देगा। हाँ। इसके लिए तो एक पैन बना लो या कोई छोटा बर्तन लेके आई हूँ और मुझे ये एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोग चाहें तो आयुदंत टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। और हाँ एक और बात, सर्दियाँ सिर्फ मैंने डिक्लेयर नहीं की है, सर्दियाँ चेरी ने भी डिक्लेयर कर दी है। कैसे आओ दिखाती हूँ आपको। तो चेरी को ठंड इतनी लगने लगी कि चेरी को स्वेटर पहना दिया गया। और ये मत सोचो आपकी स्वेटर जो है, आपको ये तो ना कि स्वेटर हमने बहुत ही इसको घटिया से बनाया, ऐसा नहीं है। ये स्वेटर जो होता है इसके लिए हम अच्छे अच्छे स्वेटर हर साल लाते हैं हर सीजन में, लेकिन ये गंदी लड़की क्या करती है पता क्या करती है, सारे स्वेटर में फाड़ देती है। अभी जैसे मैंने पहनाया है इसको, इसमें धागे भी खींच खींच के निकालती जा रही है ये। तो इसको ना गंदा कुत्ता बनने की शौक है, भिखारी कुत्ता है ना, फटाफट स्वेटर पहनने का इसको अच्छा लगता है। क्यों गंदा कुत्ता बनना होता है, क्यों भिखारी कुत्ता बनना होता है, अच्छे कपड़े पहनते हो फिर उसको फाड़ सारे धागे निकाल देते हो आप, देखो। हाँ क्यों ऐसे करते हो आप, क्यों ऐसे करते हो आप। शी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग हर स्वेटर्स, क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। तो मैं फिर से स्वेटर लेके आऊंगी इसके लिए, लेकिन तब मुझे पता है इसने वो भी फाड़ देने हैं, तो सर्दी एक्चुअली में आ गई है, राइट। ठंड